Assalamualaikum guys, this is me Oyin Ami. So guys, हम JKD आए हैं और यहाँ पर आज I think कोई छोटा मोटा फंक्शन सा है. So gatherings ही है और जहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह भी आए हैं और तो हम लोग कुछ चलेंगे और उनसे बात करेंगे. So देखते हैं क्या होता है. तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे और गपशप लगाते हैं. So आज मेरे साथ तुम बरा बदी हुआ हम कहना चाहिए अफरा बदर माने माथे का और मुझे क्या हो रहा है यार, कैसे हो यार, दो दिन बाद यार, बहुत ही नहीं हो यार, बहुत ही मिस कर रहा था मैंने कहा यार कहीं से नाजिल हो गए हो गए. अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, सो कुछ देर पहले इनकी फाइट हुई थी, लगता तो नहीं है? अच्छा, नहीं, फाइट से रिंग में होगी भाई. अच्छा, सो हम रिंग में मिलेंगे. अभी जो सेकंड मैच हो रहा है, इस्लामाबाद वर्सेस कराची, कैपिटल वर्सेस वो कैपिटल जो एक जमाने में था, अभी इस्लामाबाद कैपिटल है हमारा, जिस तरह आप लोगों को पता है. तो इनका मैच है, पिशावर अपना मैच हार चुका है. जेकेडी पिशावर में ये इवेंट हो रहा है और ये फुटसॉल ग्राउंड आप देख रहे हैं, हल्ला गुल्ला लगा हुआ है, बिल्कुल माशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म का माहौल. मैं खुद इंजॉय कर रहा हूं लॉन्ग टाइम, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ एज वेल हियर इन दिस एकेडमी. और देखते हैं कि मैच का रिजल्ट क्या होगा. इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप देख लेंगे. नुमान इनको अच्छे तरीके से कैप्चर करें, इन लोगों को जाए बताएं कि कौन कौन खेल रहा है. इस्लामाबाद अपना मैच जीत चुका है और दूसरी जानब दूसरी साइड से लाहौर अपना मैच जीत चुका है. लाहौर ने शिकस्त दी है कराची को. गलत हो गया? यस, दोबारा पिशावर को. दोबारा सर एक बार गलत हो चुके हैं. कोई नहीं चले, हो जाता है. किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, मैं क्या से क्या हो गया. जिंदगी एक पल में सारी यूं बदल गई हमारी, अब तो है मुझको ना जता. क्यों परेशान है, क्यों हुए? यार चुप कर यार, एक तेरे कमल सर ने वो खुशकिस्मत इंसान के साथ, बेकार प्लेयर लेकिन किस्मत अच्छी है, उसके साथ मेरे मुकाबले डाल दिए. किसके साथ यार? वो क्या उबैद? कौन सा उबैद? यार हमारा उबैद क्या, ओवेंस वाला. ओवेंस वाला? हाँ, किस्मत इसी जारिम की बच्चे की. यार मेरे सामने अभी दो बंदों को हरा चुके. अच्छा, किस्मत अच्छी, कुछ ऐसा करके बस इसी किस्मत खराब हो चुकी. देख भाई, बात ऐसी है ना कि हो जाएगा तेरा काम, बट इसके लिए तुझे पैसे लगाने पड़ेंगे. यार जितने पैसे लगते ना मेरे. सबर कामिल गुजर गया, चुप कर, कामिल को पता नहीं चला. भाई जान, वैसे क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? हम इसमें टैक्टिक्स जनरल डिस्कशन कर रहे हैं गेम के बारे में. अच्छा, मुझे फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं. अच्छा, फुटबॉल चले सिखाए थे जनरल से. जिम चल रहा, ठीक है ना? मैं आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो इस तरह डर गया यार. बस छोड़, चुप कर, हर बात छोड़. जितने पैसे लगते ना मैं देता हूं, बस मैच में जीत लो. 5000 रुपए लगेंगे यार. सारा ये देख, क्रेडिट कार्ड नहीं मेरा, और निकाल जल्दी तो नहीं है. अच्छा, बात सुन लो, ये क्या कार्ड मार दिखा रहे हो? ये क्या सर, ये शॉपिंग की थी, शॉपिंग की थी वो. नहीं तो इसके इसमें कार्ड की क्या जरूरत है? मुझे शॉपिंग में, शॉपिंग ये शॉप क्या
क्यों भाई क्या हुआ यार मैं जिताना किसी तरीके से मुझसे साथ जो तेरा मैच आ रहा हाँ ना जिताना ऐसे कर एडिटिंग का जो तेरे पास है ना यार टैलेंट उसमें कुछ अपना टैलेंट दिखा आज मुझे जिता मेरी बात सुन एडिटिंग कुमार बोली मैं ऐसा काम करता हूँ कि मुझसे के शूज में कुछ ऐसा चीज डाल देता हूँ ताकि वो हार जाए जबरदस्त बस तू मेरा भाई है आज के बाद क्या कहते हैं या तो मैं उसको फुटबॉल कमजोर कर देता हूँ या तो उसके शूज में ऐसा कुछ डाल देता हूँ जिससे वो खेल ना सके बस कर कर सही है ओके जबरदस्त हो गए जबरदस्त इसके लिए तेरे पैसे लगने पड़ेंगे ये बात तेरी गलत है ना यार बड़ा पैसे को गोली मार देख दोस्ती कर मुझसे 500 रुपए लगेगा 500 और काम तेरा सही हो जाएगा 500 तो मेरे 500 दिन की दिहाड़ी है चल यार तू भाई है ना मेरा इस तरह कर 300 दे और गेम खत्म कर चल सही 300 हो गया हाँ उसको हाँ। गेम के बाद ऐसा काम करके उसके एक पैर भी टूट जाए जिससे वो फुटबॉल मारे मैं कहता हूँ अगले दिन उठ भी ना सके बस चल सही है हो गया डन हो गया हाँ हाँ गुड हो गया चल मिलते हैं फिर सॉरी मुइज कैसे आप और बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोग इसको जरा एंजॉय करें उमेर वर्सेस मुइज और पानी की बोतल चाहिए थे यहां पे स्टार्ट किया जाता है उस तरह हम स्टार्ट है क्योंकि मुकाबला आपको पता है कि उसमें एक दूसरे को पंचेस भी मारने होते हैं तो मैं चाहता हूं कि पहले हम यहां पे आए आप बता सकते हैं कितने मुकाबले जीत चुके हैं अब तक मैं 29 मुकाबले जीत चुका हूं और 0 हार चुका हूं अच्छा जीरो हारे होते हैं कि मतलब कोई भी नहीं हारा एक भी नहीं हारा अच्छा अरे जी आप निक्रेकर से बात करते हैं उबैद से मेरा मतलब है उबैद कितने मुकाबले आपने जीते और क्या होगा यार मुकाबले भी जीते एक बहुत सारे हैं मुकाबलों का मुझे खुद भी नहीं पता बस जो भी मिलता है पकड़ लेता हूं और मारता हूं बस अरे पहले शॉट से जी उबैद वर्सेस मुई subscribe to my YouTube channel. जी अपडेट्स देते हैं आपको आप लोग ये इवेंट एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ यार कोविड इधर बिल्कुल बसा हुआ है लेकिन देखिए अभी मैंने सिर्फ मास्क इसलिए उतारा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद अपना मैच जीत चुका है और दूसरी साइड से लाहौर अपना मैच
जीत चुका है लाहौर का टैलेंट लाहौर अपना मैच जो है वो जीत चुका है फाइनल होने वाला है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर और अभी थोड़ी देर में देखेंगे एक परफॉर्मेंस हो रही है वो आप देख सकते हैं इमर्जिंग स्टार्स यू कैन से इमर्जिंग स्टार्स यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं नुमान आपको दिखाएंगे कि यार ये क्या करने वाले हैं Sir, the winner of Footfest Season 2
इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद अपना दोबारा 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 ओह दोबारा दोबारा। आप लोग को विनर मिल गया जो फूड फेस्ट है सीजन 2 का। इस्लामाबाद जो है वो विनर है। और इस ये लड़का जो है आप देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ जो है ना मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से ही इज द मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि काफी गोल स्कोर किए। कितने गोल स्कोर किए? मैंने अंदाजा मैंने गिने तो नहीं, लेकिन तकरीबन 5 गोल इस टूर्नामेंट। तो मेरे तरफ से तो ये मैन ऑफ द सीरीज है और हमें अपना विनर मिल चुका है इस टूर्नामेंट का। इधर हमारे साथ एक दूसरा बंदा भी है, ही इज द मेन ऑर्गेनाइजर। और ये बंदा है कि ये माहौल आप लोग को इसी की वजह से मिला है। और ट्रस्ट मी, मैं खुद भी काफ़ी टाइम से बोर था, घर में ही था। मैंने कहा कुछ ऐसा हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना अच्छा इवेंट होगा। हमसा क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट? कहना चाहूँगा कि आवाम का जो रवैया था हमारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्राउड आया यहाँ पर और बड़ा ही अच्छा एक माहौल बना। क्वेश्चन, लास्ट टाइम का विनर कौन था? लास्ट टाइम पेशावर जी, पेशावर जी था। पहली राउंड में पेशावर बाहर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नींद ही नहीं की आपने, तो इसकी वजह क्योंकि कैप्टेंसी में कोई ले कर आ रहा था कि कौन? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हार जीत मैटर नहीं करती, इन दी एंड पाकिस्तान जीत गया। वैसे पेशावर वाले कह रहे हैं कि हार जीत मैटर करती है, हमजा ने क्यों हराया हमें? मैंने एक गोल भी मारा था। अच्छा, चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीत गया माशाल्लाह। इस इवेंट से ये प्रूव होता है और इस लड़के को मैं दाद दूंगा और क्रेडिट इसी लड़के को जाता है। एक बात मैं और करूंगा कामिल भाई, आपकी बात कट कर रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में कोई भी शहर जीते, इंडियन जीत पेशावर की हो। सर जी बोल सके? सर आपने क्या कहा? सर आप यहाँ के क्या है? अता बस तावी कम जेकेडी तबर शिकर हूँ और मैं हूँ यहाँ का जेकेडी शिकर। ओके सो गाइस, हमारे साथ रेहानू जो है यूट्यूबर, हमारा पेशावर की तरफ से ब्लॉगर यूट्यूबर कह सकते हैं हम। सो गाइस ये भी यहाँ पर आया हुआ था और बिल्कुल ये क्या कहते हो यार, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम करते हैं और जितनी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बंदा है। मैंने इनका काम भी देखा, बहुत टैलेंट है इसमें। बस येरा इख्तिताम हुआ, बहुत मज़ा आया और कोविड भी है लेकिन फिर भी हमने बहुत खूब इंजॉय किया। और सिंह भाई को भी ज़रा सपोर्ट करते रहे, हमें भी ज़रा अगर okay. काम अच्छा पसंद आता है तो फिर आप लोग सपोर्ट करते रहिए सब। थैंक यू। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू।